हेलो इंजीनियर्स, ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर गौरव साहू, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आज आपका लैब का पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो वेट कर लेते, कुछ और लोग जुड़ने वाले, 6 बज चुके हैं, हमारे लाइव सेशन का टाइम हो चुका है। जो हमारे साथ रेगुलरली जुड़े हुए उन्हें पता है कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पावर्ड बाई सिविल गुरुजी, इसमें हर रोज 6 बजे हम आपके लिए मंडे टू सैटरडे लाइव सेशंस लेके आते हैं, जिसमें हर वीक का हमारा टॉपिक अलग अलग रहता है। ब्रिज और हाईवे से रिलेटेड ही टॉपिक रहते हैं। फर्स्ट वीक हमने मई से स्टार्ट किया है। फर्स्ट वीक ऑफ मई हमने बात करी थी इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। पूरे वीक हमने ब्रिज और हाईवे से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस थे इसके बारे में जाना। नेक्स्ट वीक हमने कलवर्ट्स के बारे में जाना कि कितने टाइप के कलवर्ट्स होते हैं, हर कलवर्ट की पर्पस क्या क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। जो हमारा थर्ड वीक है इसमें हम सिर्फ लैब टेस्टिंग की बातें कर रहे हैं। हर रोज 6 बजे आपके लिए मैं एक नया लैब टेस्ट लेकर आता हूँ, बिटुमिन से रिलेटेड, हाईवे से रिलेटेड और ब्रिज से रिलेटेड। तो थोड़ी देर और वेट कर लेते, जिनको और जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, और जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि रोज 6 बजे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपके लिए एक लाइव सेशंस रहेगा मंडे टू सैटरडे। और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें चैट बॉक्स पे लिख कर बताएं कि क्या सजेशन हो सकते हैं। अभी तक जितने लोग जुड़े हैं वो मुझे हाय बोलकर बता सकते हैं, अपना अटेंडेंस लगा सकते हैं कि वो प्रेजेंट है। मैं देखना चाहूँगा कि कल भी हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े थे, वो आज हमारे साथ जुड़े कि नहीं। और कल मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने आपको एंड में बोला था कि बताऊँगा कि आपको 3D मॉडल का एक्सेस कैसे मिलेगा, वो बताना रह गया था। तो इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए और मुझे चैट में बता दीजिए कि आप जुड़े हैं हाय लिख कर या लाइक करके। तो देखते हैं, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए, 7 लोग जुड़े हुए हैं। एक का मैसेज आया, रवि सर का मैसेज आया, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आपको भी। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के, और जुड़ते जा रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है सॉफ्टनिंग पॉइंट निकालना, कि हमारा जो बिटुमिन का हमने अब तक कितने टेस्ट कर लिया। बिटुमिन के हमने अब तक 3 टेस्ट कर चुके हैं, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया लैब टेस्ट का। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था फ्लैश एंड फायर पॉइंट निकालने से, क्लीवलैंड मेथड से। उसके बाद हमने निकाला था पेनेट्रेशन टेस्ट, और उसके बाद हमने जो हमारा कल का टॉपिक था वो था हमारा डक्टिलिटी टेस्ट का। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सॉफ्टनिंग पॉइंट निकालने का, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा बिटुमिन पे। जो हमारे 4 मेजर टेस्ट थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर रह गया होगा तो आप हमारे लाइव सेक्शन में जाकर आपको वो सारा रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो इसे हम, जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि हम 3D मॉडल की मदद से इसे समझेंगे, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी, मुझे समझाने में काफ़ी आसानी होगी और आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं हमारे हर लाइव सेशन में आपको कहता हूँ कि आप प्रोसीजर तो एक बार समझ लेंगे, देखकर समझ लेंगे, बट जो ध्यान देने वाली चीज़ है, प्रोसीजर तो समझना ही है बट ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि हमारे जो टेक्निकल टर्म्स है, टेक्निकल वर्ड्स है और टेक्निकल जो नंबर्स हैं, अगर किसी चीज़ का डाया है, अगर मैं इसमें बॉल का डाया बोल रहा हूँ, रिंग का डाया बोल रहा हूँ या पैरेटस का नाम बोल रहा हूँ, तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि यही टेक्निकल चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको पता है कि नहीं। आपको टेस्ट करने के लिए आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि कंप्लीट प्रोसीजर बताओ मुझे, बट प्रोसीजर आपको आना चाहिए, तभी आपको ये टेक्निकल चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा अपैरेटस की बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा सॉफ्टनिंग टेस्ट है इसको परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से अपैरेटस और टूल्स लगेंगे। सबसे पहला अपैरेटस है हमारा बिटुमिन। बिटुमिन का टेस्ट करें तो बिटुमिन तो हमें लगेगा ही। नेक्स्ट हमें एक बीकर लगेगा। बीकर के बाद हमें लगेगा एक मेटल सपोर्ट हमारे बॉल और रिंग को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे जो ब्रास के रिंग्स है, जो हमारे रिंग्स रहेंगे टेस्टिंग के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो शेप है कुछ इस तरीके का रहेगा, सर्कुलर रिंग है तो रिंग के शेप में रहेगा। साथ ही साथ इनका जो डाया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 7.5 mm इसका आउटर डाया रहेगा। और इसके बाद हमें 2 स्टील बॉल्स लगेंगे, क्योंकि हम ये टेस्ट 2 बार परफॉर्म करने वाले हैं एवरेज निकालने के लिए। इनका डायामीटर है 9.5 mm, साथ ही साथ इनका जो वेट है 3.5 ± 0.5 ग्राम हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा अपैरेटस। और एक हमारा जो लगेगा हमें वो है थर्मोमीटर।
थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करने के लिए किस पे हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट आ रहा है ये चेक करने के लिए, और हीटर, हीटर का क्या यूज है हमारा बिटुमिन मेल्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा लगेगा सॉफ्टनिंग टेस्टिंग मशीन, ये मशीन के थ्रू ही हम इसे चेक करेंगे। हमारी मशीन कुछ इस तरीके की दिखती है। तो अब चलते प्रोसीजर की तरफ, कंप्लीट प्रोसीजर की तरफ। स्टेप वन, पिछली वीडियो में अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो मैंने पिछली वीडियो में जब हमने डक्टिलिटी टेस्ट किया था उसमें भी पहले हमें बिटुमिन को मेल्ट करना रहता है, उसके बाद मोल्ड में डालना रहता है। तो मोल्ड से बचाने के लिए, मोल्ड में चिपकने से बचाने के लिए और इजिली वो निकल जाए उसके लिए हम एक मटेरियल यूज़ करते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, हमारे साथ जुड़े हुए चैट रिप्लाई में लिख कर बताइए कि वो कौन से दो मटेरियल थे जिनका पेस्ट हमने बनाकर अप्लाई किया था। मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला है वो है ग्लिसरीन। एक तो हमें स्टेप वन में ग्लिसरीन लेना है। ग्लिसरीन के बाद हमें जो नेक्स्ट लेना है वो है डेक्सट्रीन। ग्लिसरीन के ऊपर हमें डेक्सट्रीन मिक्स करना है इक्वल प्रोपोर्शंस में। उसके बाद दोनों का एक होमोजीनियस मिक्सचर पेस्ट बना लेना। होमोजीनियस मतलब एक समान अच्छी तरीके से मिला हुआ पेस्ट हमें बनाना है। उसके बाद हम चलेंगे स्टेप थ्री की तरफ। स्टेप थ्री में हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, स्टेप फोर। स्टेप फोर में हमने जो अपैरेटस में, जो हमारा अपैरेटस था हीटर, उसके ऊपर हमें मेल्ट करना है बिटुमिन। जो भी हमें रॉ बिटुमिन मिला रहेगा उसे हमें मेल्ट करना है हीटर में। और टेम्परेचर कितना रहेगा, हमने चार वीडियो में अभी तक डिस्कस कर चुका है बिटुमिन को, हर टेस्ट में हमने मेल्ट किया। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा, 75 to 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे। उस बीच में ये जो हमारा रॉ बिटुमिन है ये मेल्ट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ इसके बाद हम चलते हैं। स्टेप फोर हो गया हमारा। स्टेप फाइव की तरफ, हमारा जो बिटुमिन मेल्ट हुआ है, जो हमारा बिटुमिन मेल्ट हो गया है उसको अब हमें पोर करना है स्टेप सिक्स में। स्टेप सिक्स में हमारे जो रिंग्स थे, क्योंकि हमें रिंग के शेप में, पिछला वीडियो में हमने बीकर में डाला था, उसके बाद में हमने ड्रम में डाला था, इसमें हम रिंग में डाल रहे हैं। रिंग में जब मेल्टेड हम डालेंगे उसके पहले हमने जो डेक्सट्रिन और ग्लिसरीन का मिक्सचर लगाया था उसे अच्छी तरीके से उस पर अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद इस पर हम क्या पोर करेंगे, बिटुमिन पोर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। जो कि ये रहेगा हमारा स्टेप सेवन। स्टेप सेवन में हमें बिटुमिन पोर करना है। कितना पोर करना है, ये जो रिंग दिख रहा है ये पूरी तरीके से फिल हो जाना चाहिए और उसके थोड़ा ऊपर तक, मतलब रिंग के थोड़े ऊपर तक हमें फिल करना है। अब वो क्यों करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब हमारा बिटुमिन हॉट रहता है तो, और उसके बाद जब वो कोल्ड होने लगता है थोड़ा सा सिकुड़ता है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम उसे थोड़ा ऊपर तक फिल करते हैं। उसके बाद एक बार जब ये फिल हो जाए तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि रिंग हमारी यहाँ तक है, इससे थोड़ा ऊपर हमने फिल किया हुआ है। और उसके बाद हम इसे ठंडा होने देंगे, कितने देर के लिए, 30 to 40 minutes तक हम इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। रूम टेम्परेचर में एक बार ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे निकालेंगे। निकालने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसको इवन करना है। इवन कैसे करेंगे, आप एक नाइफ की या ब्लेड की मदद से जितना ब्लेड है, जितना एक्सेस हमारा बिटुमिन है उसे हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हमें इसे मेटल स्टैंड पे सेट करना है। उसके बाद में इसके ऊपर हमारे जो ब्रास के रिंग्स थे उसे रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस ब्रास रिंग के ऊपर में हमें ये बॉल्स, जो हमारे 9.5 mm डाया के जो हमारे बॉल्स थे उसे प्लेस कर देंगे हम इसके ऊपर। इसे प्लेस करने के बाद हमें इसे डालना है एक बीकर में। बीकर में हमारा डिस्टिल्ड वाटर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल वाटर यूज़ नहीं करना है, हमें डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना है। ये आपको ध्यान रखने, टेक्निकल नेम्स याद रखने। कितने देर के लिए, 5 degrees Celsius for 15 minutes यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं 5 degrees Celsius for 15 minutes, मतलब 5 degrees Celsius के डिस्टिल्ड वाटर में हमें 15 minutes के लिए इसे छोड़ना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जब इसका टेम्परेचर इवनली हो जाएगा। और इसमें साथ साथ हमें बॉल, जो हमारा स्टील बॉल था, स्टील बॉल को भी सेम बीकर में हमें साथ साथ रखना है, उसका भी टेम्परेचर हमें सेम मेंटेन करके चलना है। इसके बाद में हम जब स्टेप 13 में चलेंगे, स्टेप 13 में हमने ये अपैरेटस लगा दिया, इसके यहाँ पे आपका थर्मामीटर लगा हुआ है। थर्मामीटर के साथ आपका जो ये टूल दिख रहा है, ये जो आपका मशीन दिख रहा है बॉक्स,
इसके थ्रू आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। ये जो नॉब है ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, कम ज्यादा बढ़ाने के लिए ये नॉब काम आता है। अब इस अपैरेटस के नीचे हमने बीकर रख दिया। ये बीकर रखने के बाद इसमें हमने मेटल स्टैंड भी रख दिया, बॉल तो हमारा रखा हुआ था। अब इसे हमें क्या करना है, इसका टेम्परेचर हम ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, हर मिनट में 5 डिग्री सेल्सियस हमारा इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और इसके बीच की जो हाइट है, जो मेटल स्टैंड और जो हमारा बीकर के बीच की जो हाइट है, जो हमारा बीकर का बॉटम है और मेटल स्टैंड में जो बॉल रखा है उसके बीच की हाइट एटलीस्ट 50 mm रहनी चाहिए, मतलब 50 mm की हाइट रहनी चाहिए, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर इसकी मदद से बढ़ाएंगे जिससे कि ये मेंटेन रहे और 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। बढ़ते जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट आएगा जो हम नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, जहां पे हमारा बिटुमिन सॉफ्ट होने लगेगा। स्टेप 14 में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा वाटर गर्म होते रहेगा, डिस्टिल वाटर गर्म होता रहेगा, तो एक पॉइंट आएगा जब हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, जो हमारा बिटुमिन है वो सॉफ्ट होने लगेगा। सॉफ्ट होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर हमने एक बॉल रखा है, जो स्टील बॉल रखा है उस पर कुछ वेट है। अब हमारा बिटुमिन सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा तो क्या होगा, वो यहाँ से नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि हमारा बिटुमिन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब उस पर हमने वेट डाला हुआ है, वेट बॉल के रूप में हमने डाला है, स्टील बॉल के रूप में। तो ये नीचे ग्रेजुअली खींचता जाएगा, इलास्टिक करता जाएगा उसको, नीचे तक ले जाएगा। तो हमें वो टेम्परेचर नोट करना है जब ये बॉल आपके बीकर के बॉटम को टच नहीं कर लेता। जैसे वो बीकर के बॉटम को टच कर लेता है, ये जो आपका मेटल स्टैंड है इसके स्टैंड को अगर वो टच कर देता है, उस टेम्परेचर को हमें नोट करना है। वो टेम्परेचर क्या रहेगा हमारा, डिपेंडिंग अपॉन हमारा जो ग्रेड ऑफ बिटुमिन रहेगा, VG30, VG20, VG40, उसके अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो हम ले रहे हैं स्टेप 14 में, इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि जो टेम्परेचर रीड होगा वो हमें नोट करना है। अब नोट करना है तो यहाँ पे टच होना चाहिए, बॉल नीचे टच होगा, वो वाला टेम्परेचर नोट करना है। बट इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हो सकता है कि आपका एक बॉल, अगर सेम सैंपल हमने बिटुमिन का सेम सैंपल लिया है, तो एक बॉल हो सकता है पहले आपका टच कर जाए, उसके थोड़ी देर बाद आपका सेकंड बॉल टच हो। तो ये अगर सेम सैंपल है तो दोनों के बीच में 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए टेम्परेचर में इसके टच होते तक। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा टेबुलेशन, जो कि हमारा लास्ट रहता है हमेशा, कि टेबुलेशन हमें रखना है कि बॉल 1 कब टच किया, बॉल 2 कब टच किया बॉटम में। ये हम यहाँ पे सॉफ्टनिंग पॉइंट नोट करेंगे। अब बॉल 1 और बॉल 2 के बीच में अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लेकर चलूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका लेके चले सॉफ्टिंग पॉइंट बॉल 1 का 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रहा, तो बॉल 2 का कितना रहेगा, 41, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रहेगा, नहीं हो सकता। तब इसका एवरेज निकाल लेंगे हम, 40 प्लस 40 81 का जब हम एवरेज निकालेंगे, 81 का जब हम एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 40.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो रीडिंग है काफ़ी एक्यूरेट आ गया है, इसलिए हम एवरेज निकालते ताकि एक वैल्यू पे हम डिपेंडेंट ना रहे, हमारा जो आंसर है काफ़ी एक्यूरेटली आता है जब हम एवरेज लेकर चलते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझ लिया कि भाई सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है। बिटुमिन पे हमारा लास्ट लाइव सेशन था, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीक के टॉपिक के लिए बिल्कुल जुड़े रहिए, ब्रिज और हाईवे से रिलेटेड ही रहेगा। और रोज़ 6 बजे हम लेकर आएंगे आपके लिए, चेतन सर, साथ ही साथ टिकेश सर, विवेक सर और मैं खुद, चारों मिलकर आपके लिए डेली लाइव सेशंस लेकर आते हैं मंडे टू सैटरडे। हमारे साथ रोज जुड़े रहिए, जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनके लिए भी मैं ये बता देना चाहता हूँ। अब जो मुझसे कल रह गया था लाइव सेशन में, जो रह गया था वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा 3D मॉडल है ये आप भी एक्सेस कर सकते हैं बड़ी इजिली, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं देना। जैसा मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ वैसा आप भी प्ले कर सकते हैं। उसका जो एक प्रोसीजर ये है कि आपको www.civilguruji.com में जाना है, वहाँ पे खुद को रजिस्टर करना है,
वहां पे जब आप रजिस्टर करेंगे अपना ईमेल और पासवर्ड से, वहां पे आपको ब्रिज कंस्ट्रक्शन का एक फ्री कोर्स मिलेगा, उसे आपको बाय करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसे नहीं कटेंगे आपके। उसके अंदर ये सारे जो हमारे 3D मॉडल्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, सिविल गुरुजी टाइप करके ऐप डाउनलोड करना है। वो ऐप में भी सेम प्रोसेस है, आपको रजिस्टर करना है ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू, और जो हमारा ब्रिज कंस्ट्रक्शन का फ्री कोर्स है उसको आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ मतलब पैसे आपके कुछ नहीं कटेंगे, वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल जीरो है। वहां से आप जब एक बार परचेस कर लेंगे तो ये सारे 3D मॉडल के एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे देखने को मिलेगा। अगर आपको बाय चांस कोई 3D मॉडल नहीं मिल रहा है तो वो 2 to 3 days में, वर्किंग डेज में आपका अपडेट हो जाएगा। तो आपको रोज चेक करते रहना है कि कोई नया मॉडल अपडेट हुआ क्या। जैसे जैसे हम लाइव सेशंस लाते रहेंगे तो पिछले मॉडल्स अगर कोई रह गए तो वो भी अपडेट हो जाएंगे और नए मॉडल्स भी अपडेट होते रहेंगे, तो आपको चेक करते रहना है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हमारा सॉफ्टिंग पॉइंट क्या रहता है, उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, कंप्लीट प्रोसीजर। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नए लाइव सेशंस के साथ। अंटिल देन थैंक यू सो मच।